कुछ पन्ने जिंदगी के। छोटे छोटे सपने जब पंख फैलाकर ऊंचे आसमान में एक लंबी उड़ान भरते हैं, तो कई बार हमारी उड़ान को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। गिरने के डर से कई लोग अपने सपनों को पीछे छोड़कर रोजमर्रे की जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो अपनी मंजिल को अपना लक्ष्य बना के जी तोड़ मेहनत अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी उस उड़ान को तय करते हैं, मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। मैं मधुरिमा निगम ऐसे अचीवर्स फाइटर्स की जिंदगी के पन्नों को हर रविवार आपके साथ शेयर करती हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, जो मेरे खास मेहमान बनकर आए हैं। उनके अचीवमेंट्स और जर्नी की बातें इतनी इंटरेस्टिंग है, शायद मैं ये भूल जाऊं इमोशंस में बह के कि हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड होता है। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से मैं आप सबका तारुफ करवाती हूँ मेरे आज के मेहमान से। गुड मॉर्निंग सर। हम एक दूसरे के बारे में इतने जानते तो हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट, बताइए। जब ये स्क्रीन पर आते हैं तो आसपास के सारे एक्टर्स को ओवरशैडो करते हैं। मुझे ये रूम कुछ वक्त के लिए खाली चाहिए, आप सब लोग बाहर जाइए। ये कन्वेंशनल हीरो तो है नहीं, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा अशरफ हैदर। पर अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि मैं किसी सुपरस्टार की फिल्म देखूं या फिर इनकी फिल्म देखूं, तो बेझिझक मेरी चॉइस होगी कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की पिक्चर देखने जाऊँ। सिद्दीकी। वेलकम नवाज ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। थैंक यू। आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने NSD से एक्टिंग की तालीम ली, फिर भी मतलब जैसे बहुत सारे डिजर्विंग एक्टर्स होते हैं उनकी तरह आपको भी शुरुआती दिनों में छोटे मोटे रोल्स करने पड़े, क्राउड सीन्स, कभी एक मिनट एक सेकेंड, कभी एक मिनट दो सेकेंड, तो उस वक्त कैसा लगता था? एक्चुअली मैं जब आया था तो मैं, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे आए हुए कोई 12 साल 14 साल हो गए। शुरू में भाई कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं तो सीरियल करने के लिए आया था। तो सीरियल में बस वही काम मिलना बंद हो गया था एक टाइम के बाद, क्योंकि ग्लॉसी हो गए थे सब सीरियल्स। तो उसमें अगर भिखारी नहीं, सास बहू तब तक नहीं आया था। अच्छा, अच्छा। तब तक ये आया था कि अगर भिखारी का भी रोल करना है तो खूबसूरत 6 फुट का बल्ले छल्ले वाला बंदा चाहिए। एक्चुअली वो हमारे रोल थे भिखारियों के, या कहीं पे किसी को मारा पीटा जा रहा है, या इस तरह के जो रोल थे वो हम लोग करने आए थे। लेकिन उसमें वो लोग आ गए, फिर बहुत दुख हुआ मुझे। और उसके बाद फिर क्या करते, फिर फिल्मों में ट्राई करना पड़ा एक्चुअली। अब फिल्मों में फिर वही ऑप्शन कुछ नहीं था, वही छोटे छोटे रोल थे क्राउड में सब। तो तकरीबन वो मेरे ख्याल से 6-7 साल तक 8 साल तक वही सिलसिला चलता रहा। सिर्फ इतनी डिजायर थी कि एक सीन कर लिया तो अब 6-7 साल के बाद 2 सीन दे दो यार। इतनी चाह थी, लेकिन वो 2 सीन भी नहीं मिले। तो क्या आपने वो वाली कार्ड जो यहाँ पे बनाते हैं ना, वो जूनियर आर्टिस्ट वाली कार्ड, वो बनवाई थी? नहीं, मैंने कार्ड नहीं बनवाई थी, लेकिन मैं जूनियर आर्टिस्ट जो जहाँ पे वो लोग काम करते थे उनमें घुस जाते थे हम लोग। हाँ। असिस्टेंट से सेटिंग करते थे, जो चीफ असिस्टेंट होता था उससे सेटिंग करते थे, और शाम को कैश मिल जाता था पैसा। हाँ। लेकिन पकड़े जाते थे, जो जूनियर आर्टिस्ट का कोऑर्डिनेटर होता था। हाँ। वो आधे पैसे, जैसे 2000 मिले, 1000 उसको देने पड़ते थे। अच्छा। तो इस तरह काम चलता था, दादागिरी तो है ही। पर अब जब उन्हीं स्टूडियोज में आप जाते हैं, जब अब आप दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन चुके हैं, मुकाम आपने हासिल कर लिया है, तो जब आप वहाँ जाते हैं, वही चाय का स्टॉल, वही जूनियर आर्टिस्ट का एक ग्रुप जो खड़ा रहता है धूप में, तो वो दिन आपको जरूर याद आती होगी, या कोई लोग आपको देख के पहचानते हैं? एक्चुअली मैं उस तरफ जाता नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे फिर से वही चीज़ें सारी याद आने लगती हैं कि मेरे ख्याल से कोई 6-6 घंटा वहाँ खड़े रहने पड़ता था। तो मैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं अभी भी, अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर मैं अच्छे से मिलता हूँ। और एक चाह ये रहती कि जैसा मेरा हुआ है उनका भी हो, एक कभी ना कभी ज़रूर होगा इंशाल्लाह। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी करियर की शुरुआती दिनों में क्राउड सीन्स में कई लोगों के झुंड में दिखते थे। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग पन्ने कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के।